स्वागत है आपके अपने चैनल सौरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी नर्सिंग 2022 की जो काउंसलिंग हुई थी उसके बाद अब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया है। अब आपको प्राइवेट कॉलेज में जाकर फ़ीस जमा करनी है। अब आप कॉलेज में कितनी फ़ीस जमा करनी है, किसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनेगा और कितनी फ़ीस आपको सेकंड काउंसलिंग के बाद जमा करनी है, तो इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं इस पर। तो यानी आपको थोड़ी सी फ़ीस पहले जमा करनी है और फिर उसके बाद सेकंड काउंसलिंग के बाद जमा करनी है। देखिए, ये एक आदेश जारी किया गया यहाँ पर आज ही 21 तारीख को, और कहा गया कि अंतर्गत आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो इसमें तो कोविड का पहले पॉइंट में कोविड का पालन करना है, तो वो चीज़ हो गई। फिर उसके बाद कहा गया कि जो घोषणा होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र मिला है वो आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, ये वेबसाइट दे दी गई, प्रक्रिया की जाएगी। अब नर्सिंग कॉलेज जो गवर्नमेंट के हैं, यानी जो गवर्नमेंट के हैं, उनको क्या करना है, गवर्नमेंट में यानी जो कॉलेज मिला है उसी कॉलेज में जाकर अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है। क्लियर हो गया। उसके बाद निजी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों को आवंटन जो मिला है, अभ्यर्थी अपनी प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कॉलेज में ही पूर्ण करेंगे। पांचवा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो नर्सिंग कॉलेज बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जो उस पर उपलब्ध कराई गई है, तो उस उपलब्ध के माध्यम से आपको देख लेना है। फिलहाल ये अभी अपलोड नहीं की गई है, जैसे अपलोड होगी तो हम आपको अवगत कराएंगे। केवल यहाँ पर पॉइंट दे दिया गया है। यहाँ पर निजी कॉलेजों की बात कही गई तो उसमें कहा गया कुछ भिन्नता पाई गई है, तो उस भिन्नता के कारण यहाँ पर उसमें चेंजेस कर दिए गए। यानी अब आपको अपने आप स्वयं पता करना है निजी कॉलेज की फ़ीस को। अब यहाँ देखिए, उसके नीचे कहा गया कि निजी कॉलेज में जो फ़ीस प्रोवाइड कराई गई उसमें आपको चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के नाम से DD बनना है, यानी बैंक ड्राफ्ट बनना है, और उसके पक्ष में ही जो है दिया जाएगा, यानी जमा किया जाएगा कॉलेज में DD के माध्यम से। और यहाँ एक चीज़ और कही गई कि जो पॉइंट नंबर 8 है उसे आप ध्यान से आप देख लीजिए कि निजी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेज यानी प्राइवेट कॉलेजों में आवंटित पत्र आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय में केवल शिक्षण शुल्क यानी ट्यूशन फीस जमा करनी है। केवल ट्यूशन फीस जमा करनी है अभी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आपको। उसके बाद जो अन्य शुल्क उनकी होंगी वो आप सेकंड काउंसलिंग में यानी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के पश्चात जमा करेंगे। तो आपने पूरा पॉइंट देख लिया होगा, यानी पहले काउंसलिंग के बाद जब आप जाएंगे अपना ज्वाइनिंग ये आवंटन अलॉटमेंट लेटर लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस जमा करनी है और उसके बाद सारी फीस आपको सेकंड काउंसलिंग के बाद जमा करनी है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और किस डेट के बने होने चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है पॉइंट नंबर 9 में। तो यहाँ पॉइंट नंबर 9 में आप देखेंगे कि यहाँ आपको मिलेगा मूल शैक्षणिक अभिलेख जितने भी हैं, वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जात प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC SC ST EWS उप श्रेणी के दिव्यांगता NCC भूतपूर्व सैनिक, इन सभी के सर्टिफिकेट्स प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनके सबके मूल यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, साथ में इनके सबके स्वप्रमाणित प्रति यानी अपना सिग्नेचर कर इसकी फोटोकॉपी पर जो सिग्नेचर करके इन सभी के प्रमाण पत्रों पर सिग्नेचर करके एक सेट बनाकर ले जाना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, जो कि OBC और EWS सर्टिफिकेट है वो वही मान्य होगा जो 1 जनवरी 2022 अथवा इसके बाद का बना है। उसके पहले का अगर बना है तो आपका मान्य नहीं होगा। आज डेट है आपकी जो है 21/10, यानी 10 महीने पुराना ही ये मान्य होगा। आप मान के चलिए जनवरी 1 जनवरी दे दी गई है, उसी डेट के बाद या उसके बाद का बना होना चाहिए। राजकीय मेडिकल कॉलेजों संस्थानों विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल बोर्ड का जो गठन किया गया था वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। राजकीय क्षेत्र की सीटों के उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी यानी गवर्नमेंट सीट पर सिर्फ मूल निवासी उत्तर प्रदेश के ही पाएंगे। और यहाँ पर कहा गया कि प्रथम चक्र में, ये कई बार भी बताया जा चुका है, हम भी बता चुके हैं कि प्रथम चक्र में जिन्हें आवंटन मिल गया है और उन्हें आगे की प्रक्रिया में शामिल अगर वो नहीं होते हैं, प्रतिभाग नहीं करते हैं, तो उन्हें अगली काउंसलिंग में दोबारा सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी होगी। और बाकी चीज़ के लिए डिटेल में यहाँ आप विजिट करते रहिए या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 2-3 पॉइंट्स इसके महत्वपूर्ण हैं, कौन से अभिलेख ले जाने हैं
जो टाइमिंग दी गई है 31 तारीख से पहले आपको वहाँ वर्किंग डे में पहुँच जाना है आवंटित कॉलेज में, और आपको जो फीस प्रोवाइड कराई गई है उसमें सिर्फ ट्यूशन फीस जमा करनी है, बाकी शिक्षण शुल्क के अलावा सारी सेकंड काउंसलिंग में अलॉटमेंट के बाद ही आपको सबमिट करनी है, क्योंकि इसमें अपग्रेडेशन होगा, आप अपनी सीट बदल सकते हैं। तो सीट बदलने के टर्म्स में क्या होगा कि वो जो ट्यूशन फीस होगी वो दूसरे कॉलेज चली जाएगी और आपको दूसरा कॉलेज जो अलॉट होगा सेकंड काउंसलिंग में, यानी फर्स्ट काउंसलिंग में आप सीट छोड़ सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, उसका सीधा सा मतलब है। इसीलिए सिर्फ ट्यूशन फीस यहाँ जमा कराई जा रही है, क्योंकि अन्य शुल्क जो होती हैं वो कॉलेज पर निर्भर करती हैं और वो कॉलेज की अलग अलग सभी की होती हैं। इसीलिए सिर्फ ट्यूशन फीस जो सरकार द्वारा निर्धारित है वही आपको यहाँ जमा करनी है। तो उम्मीद करते हैं आप पूरी बात समझ गए होंगे, अगर कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।